वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज अपन इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला जो पेपर है एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दो क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं, मिलियन ट्रांसफॉर्म इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। आज अपन मिलियंस ट्रांसफॉर्म्स का जो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है मे बी, बट मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो ये जो थ्योरम है ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2018 में पूछी गई है। ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो मे बी 2021 में पूछी जाए। छोटा सा थ्योरम अपना, और आज के चैप्टर में अपन दो थ्योरम जो हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। थ्योरम में का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ एफ वी एंड जी पी आर मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स देन मिलियन एफ एक्स जी एक्स सच दैट पी इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई आयोटा लिमिट्स सी माइनस आयोटा इन्फानाइट सी सी प्लस आयोटा इन्फानाइट्स एफ जेड जी पी माइनस जेड डी जेड। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे और उसके बाद इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। सिंपल सा हमें ये काम करना है। ठीक है पर बच्चों, तो यहाँ पर अपन जो है फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के लिए मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेशन मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी आई होप सो, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में जो है वो करवा दिया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब दो फंक्शन होंगे तो उसके लिए क्या होगा, जीरो से इंफानाइट एक्स की पावर पी माइनस वन एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही। ठीक है, सिंपली याद रह जाएगा इतना। यहाँ पर एक्स की पावर पी माइनस वन जो है क्या है, फंक्शन पी का कर्नल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की, तो किसी फंक्शन एक्स के लिए वन अपॉन टू पाई आयोटा लिमिट सी माइनस आयोटा से सी प्लस आयोटा एक्स की पावर माइनस जेड एफ जेड डी जेड, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पर ये जो एफ एक्स की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इनटू एफ एक्स, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो देखना क्या होगा, मिलियंस ऑफ एफ एक्स जी एक्स दट पी इक्वल टू जीरो से इंफानाइट एक्स की पावर पी माइनस वन एक्स की पावर पी माइनस वन जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं अभी पुट कर रहा हूँ वन अपॉन टू पाई आयोटा लिमिट सी माइनस इंफानाइट से सी प्लस आयोटा इंफानाइट। ठीक है, और एक्स की पावर माइनस जेड कैपिटल एफ जेड डी जेड। ओके, और यहाँ पर ये है डी एक्स। ओके, ध्यान रहेगा सिंपल सा काम होता तो आप कर ही सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अपन सोल्व करते हैं, मामूली सा सोल्व करना है, ज़्यादा सोल्व हमें इसको नहीं करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या कर लिया, वैल्यू जो है उसको पुट कर लिया। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे वन अपॉन टू पाई आयोटा को मैं बाहर ले आया, सी माइनस आयोटा से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट लिमिट से हमारी एक्स की पावर माइनस जेड एफ जेड एच डी से रखा, और जीरो से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस वन है जी एक्स डी एक्स और डी जेड, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्या होगी, स्टेप वन अपॉन टू पाई आयोटा लिमिट जो है वो सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एफ जेड। ओके, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर पी माइनस वन
इंटू एक्स की पावर माइनस जेड जी एक्स और डी एक्स इंटू डी जेड। यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एफ जेड। बेस जो है वो इक्वल हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर पी माइनस जेड माइनस वन, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और डी जेड। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन के लिए ये क्या है, कर्नल है किसका, फंक्शन का, पी का। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिलियंस एफ एक्स जी एक्स फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एफ जेड। और इसको क्या लिखा जा सकता है, जी ओ पी माइनस जेड डी जेड। ठीक है, इनवर्स मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से सिंपल याद रहेगा, इतना ही तो करना हमें, और यही क्या हमारा फाइनल आंसर है, हैंस प्रूफ। ओके प्यार बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो बताया वो समझ आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले थ्योरम में, तो कमेंट कर देना, बता देंगे आपको। ठीक है प्यार बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अपनी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अपनी ये है। नेक्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर यह है कि लेट एफ पी एंड जी पी आर मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, देन इनवर्स मिलियन एफ पी जी पी सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट एफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू अपॉन यू। ठीक है, 2014-2016 में पूछी गई है, 14 और 16 में आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रूव। मिलियंस ट्रांसफॉर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलियंस ट्रांसफॉर्म्स जो डेफिनेशन है वो अपन जानते हैं इजीली क्या होती है। इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन, आई एम इनवर्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा लिमिट सी माइनस इंफानाइट से सी प्लस आयोटा इंफानाइट एफ इनवर्स एक्स एक्स इनवर्स एस डी एस। ठीक है, ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन अगर इस फंक्शन के लिए बात करें, पर्टिकुलर इसी फंक्शन के लिए अगर अपन बात करें जो हमें गिवन है एग्जाम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसका आंसर क्या होगा, एम इनवर्स एफ पी जी पी सच दैट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर माइनस पी एफ पी जी पी डी पी दोनों फंक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इनवर्स मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन उसको अप्लाई किया, करे थोड़ी क्या कुछ, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वल में चलेगा, ये वाले जो टर्म्स है ना ये इक्वल में चलेगी, इसको ध्यान रखना है, बराबर वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट हमारी लिमिट्स रहेंगे, हम इस लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे, एक्स की पावर माइनस पी एफ पी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी मिलियंस ट्रांसफॉर्म्स की डेफिनेशन होती है वो फंक्शन ऑफ जी पी के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम फंक्शन ऑफ जी पी के लिए अप्लाई करेंगे तो जीरो से इन्फानाइट मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से एक्स की पावर पी माइनस वन जी एक्स डी एक्स और डी पी एच डी साइज। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो जी पी की वैल्यू है वो क्या है, जीरो से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस वन जी एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम फंक्शन ऑफ
जी यू निकालें यहाँ पे। यू कोई भी एलिमेंट है फंक्शन का, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है यू, मतलब कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हम आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जी पी था उसी प्रकार यहाँ पे मैंने जी यू ले लिया, तो उसकी जो वैल्यू वो क्या होगी, जीरो से इन्फानाइट यू की पावर पी माइनस वन जी यू डी यू, ठीक है। तो यहाँ पर जी यू की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वन अपॉन टू पाई आयोटा जीरो से इन्फानाइट यू की पावर पी माइनस वन जी यू सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी एंड डी यू। आया समझ क्या खेल खेला गया, सिंपल सा खेल खेला है, वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे पुट करी है और कुछ नहीं किया है, सिंपल सा यही काम किया है पैर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, किसको, एक्स को यू को एक्स में कर दो, या एक्स को यू तो है हमारे पास, तो एक्स में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन अपॉन टू पाई आयोटा होगा, लिमिट्स है वो हमारे जीरो से इंफानाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, क्या ये जो हमारा फंक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू की पावर माइनस कॉमन पी प्लस वन लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी यू लिमिट्स सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट है और एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी डी यू, ठीक है, वन अपॉन टू पाई आयोटा लिमिट्स जीरो से इन्फानाइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू माइनस पी और यू माइनस वन लिख सकता हूँ, बेस समान होंगे तो आधार जुड़ पावर्स ऐड हो जाती हैं, आधार समान हो तो क्यों है पावर जुड़ जाए, लोकल लैंग्वेज सॉरी, ठीक है जी यू। और यहाँ से डी यू, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे लिख देना, ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो वन अपॉन टू पाई आयोटा जीरो से इन्फानाइट, यहाँ पर ये जो यू की पावर माइनस पी है इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल देंगे, और गेम में भी आपको कुछ नहीं खेलना, इतना ही खेलना है बस, सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट है सिंपली। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स की पावर माइनस पी है, तो ये एक्स और यहाँ पर यू की पावर माइनस पी है, तो यू इसके नीचे और माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो फंक्शन हमारा बचा हुआ है एफ पी डी पी डी यू, बचा तो बचा है, क्या करें, लिख तो सकते हैं, लिख दिया। अब हमें एक चीज़ पता है, डेफिनेशन क्या पता, हमें इनवर्स इमिलियंस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो हमें पता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, ठीक है, एमटी का मतलब मिलियंस ट्रांसफॉर्म, क्या एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फानाइट से सी प्लस आयोटा इन्फानाइट, यही होता है एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी, डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इस फंक्शन के लिए अप्लाई करें तो हमारे पास जीरो से इन्फानाइट जी यू अपॉन यू एफ एक्स अपॉन यू डी यू लिखा जा सकता है, और ये पूरा फंक्शन किस चीज़ के बराबर में था, एम इनवर्स एफ पी जी पी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से इन्फानाइट एफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू अपॉन यू। और यही क्या करना था, हमें बताना था, जो हमसे पूछा था हमने वही बताया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक स्टेप आपको समझ नहीं आई होगी कि ये वाली स्टेप कैसे आ गई, है ना, ये वाली स्टेप कैसे आ गई, तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो इतना टफ नहीं था ये। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप एक चीज़ देखोगे, ये जो यू इनवर्स था, ये जो यू इनवर्स था इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया, यानी कि वन अपॉन यू इक्वल टू क्या हो सकता है,
यू इनवर्स हो सकता है, और ये यू है इसको फोर मत समझना, म्यू कर लेते तो अच्छा होता इसको, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होता। चलो ठीक है, अब तो यू कर लिया तो यू ही सही, इसको ये लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, जी यू अपॉन यू, ओके। उसके बाद जहाँ पर वन अपॉन टू पाई आयोटा एक्स पावर माइनस वी एफ पी डी पी था, ठीक है, उस वाले फंक्शन पर मैंने सिर्फ एफ एक्स लिखा है, ये जो आपको एफ एक्स दिख रहा है वहाँ पे, यहाँ पे देखोगे एक्स की पावर माइनस पी एफ पी है और डी पी है, तो ये जो इतना सा फंक्शन है हमारा, इतना सा है ना, इस फंक्शन की जगह हमने क्या रखा, एफ एक्स रखा है, बाकी सेम बस। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स यू डी यू, इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे जैसा सवाल में पूछा है, और ये हमारे पास जो है परफेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, दो थ्योरम जो है उन्होंने आपको इंपॉर्टेंट जो है वो करवा दी हैं। अब हम करेंगे क्या करेंगे, एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आने वाली क्लास में हम जो है वो एग्जांपल्स लेकर के आएंगे, लगभग तीन चार एग्जाम्पल जो है वो हर क्लास के अंदर करेंगे, तो आपका सिलेबस जो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई टर्म्स कोई कंडीशन समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।